परसेंट सो आठ नौ परसेंट जो भी वहाँ पर एक रीजनेबल नंबर है वो वहाँ पर आया है। पर ये होने के बाद एक तो सारे के सारे न्यूज़ पोर्टल वहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं सो लेट्स गो टू द ब्रिटानिया चार्ट एंड लेट्स सी कि वहाँ हुआ क्या है आई थिंक चार्ट डिफरेंस है सो लेट्स गो टू दिस वन एंड हाउ डू वी एक्चुअली एंटिसिपेट सो ये जो गैप अप है यहाँ पर इस तरह से सीधा अप आया अप आया है और लगभग मुझे लगता है कि 800 से लेके बयालीस सौ राइट सो मोस्ट प्रोबली यहाँ पर जो सिनारीोज़ uh, हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 400 प्लस थोड़े बहुत uh, 50 पॉइंट्स माइनस प्लस उससे ज़्यादा की कुछ रैली यहाँ पर आई है पर मैं आपको बता दूँ अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हैं और पूछे की पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो ना सिर्फ ये 400 पॉइंट बल्कि पूरा का पूरा हज़ार पॉइंट का ये रैली और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरा का पूरा ये पैटर्न भी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं सो तो अगर पुराने किसी वेबिनार में आपने देखना है, तो मुझे लगता है इस टाइम फ्रेम के कोई वेबिनार चेक कीजिएगा उसमें देखिएगा कि इस तरह के चार्ट पैटर्न को हम कैसे ट्रैक करते हैं क्योंकि ब्रिटानिया है के एक ऐसा स्टॉक है जो आ, कुछ प्राइवेट ग्रुप में, में मेरे ट्रेडर्स हैं जो रेगुलर से ट्रेड करते हैं तो रेगुलरली मैं उसे अपडेट करता हूँ उसके साथ साथ ये वाला जो अपडेट है आई थिंक ये वाला आपको इस टाइम फ्रेम पर चैनल पर अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगा अभी अगर रिसेंटली बात करें कि ये जो आठ परसेंट की रैली आई है इसको किस तरह से आप एंटिसिपेट करोगे तो मैं आपको बता दूं कि पैटर्न आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर अगर प्राइस वाइज़ देखो तो लगभग प्राइस यहाँ से यहाँ पर मूव करी मोटा मोटा अगर पकड़े हम तो साइडवेज मोमेंटम ही है वहाँ पर अब अगर वो साइडवेज मोमेंटम है तो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स यहाँ से दूर हो जाते हैं पर अगर आप इंटरनल फॉर्म पर फोकस करो तो ये वेव भी मोटिव है यहाँ पर ये वेव मोटिव है यहाँ पर ये वेव मोटिव है यहाँ पर इंटरनली जो वेव्स हैं वो वहाँ पर मोटिव है विच मीन्स कि अगर पैटर्न आप समझते हैं तो बहुत अच्छा वहाँ पे एक एंटिसिपेशन देख सकते हैं ये जो सामने यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है दिस इज वाट वी कॉल्ड एज ए प्राइम स्ट्रक्चर अगर इस प्राइम स्ट्रक्चर की इंटरनल वेव्स की बात करें तो इंटरनल्स वेव जो होंगी यहाँ पर काफ़ी लाइक एंटीसिपेशन यहाँ से आपको देखना पड़ेगा और अगर इंटरनली अगर मैं यहाँ पर लाइक जल्दी अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो यहाँ पर आपको ये डब्ल्यू एक्स वाई मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर ये ए बी सी मिल जाएगा उसके बाद आपको फिर से तीन वेव का ए बी सी मिल जाएगा और जब ये एंटिसिपेशन यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगी तो कम्प्लीट होने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट पीस है यहाँ पर ये यह जो वेव आती है टेक्निकली इस तरह के पैटर्न में पैटर्न कम्पलीशन के बाद या तो ये एक्स वेव की तरह आएगी या इम्पल्स या मोटिव वेव की तरह आई इस केस में मोटिव की तरह आई है सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मोटिव वेव की फॉर्मेशन की बात करें तो इस पर फोकस करो और जब इस पर फोकस करोगे तो नोट करोगे आप वन टू थ्री फोर फाइव और जब ये फाइव यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पैटर्न में फोकस करो यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स में इंटरनली आ जाओ और जब इंटरनली वहाँ पर देखोगे तो W X ये वाला ना कि ये वाला सो so W X Y X और ये जो पूरा का पूरा वेव है ये Z है और जब ये करेक्शन आपकी कंप्लीट होगी और इस करेक्शन के बाद जो नेक्स्ट एंटिसिपेशन रहेगा वो आपका यह इस तरह से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं सो so ये पूरा का पूरा पैटर्न्स वेव्स की फॉर्मेशन में चार्ट्स की फॉर्मेशन में इस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं आप में से कुछ लोग आ, अभी क्वेश्चन कर रहे होंगे आई थिंक मुझे तो कुछ दिख भी रहे हैं कि ये एक्चुअली हो चुका है और हो चुका है इसलिए अब क्योंकि मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो अब तो कोई भी बता देगा कि यहाँ पर ये डबल बॉटम बना है ये ट्रिपल बॉटम बना है या ये बना है या यहाँ पर मूविंग एवरेज ने इस तरह से क्रॉस ओवर दिया है इस वजह से यहाँ पर आया है या फिर इस पिवट पर सपोर्ट लिया है इस वजह से आया पर यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितने भी पैटर्न और जो भी इस चैनल की यू है पैटर्नस एंड एंटिसिपेशन हम लोग होने के पहले करते हैं और पब्लिकली अगर बात करें ब्रिटानिया मेरे हिसाब से मैं आपको मई या जून के आसपास अपडेट कर रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्बली अगर पब्लिक एंटिसिपेशन देखें एक अगस्त के आसपास शायद ये होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली सो ये पब्लिक एंटिसिपेशन नहीं ये प्राइवेट एंटिस ये मेरे प्राइवेट ग्रुप का स्नैपशॉट है यहाँ पर एक अगस्त है दस बज का चार मिनट का जो सेशन होता है वो प्राइवेट ग्रुप का होता है सो so, प्राइवेट ग्रुप में हम लोग अगस्त से जो आज हुआ है मार्केट में जो भी मैंने आपको अभी इंटरनल काउंटिंग बताई है उसके बेसिस पर हम लोग पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं और पहले से ही पोजीशन बना रहे हैं सो so ये तो प्राइवेट ग्रुप की बात हो गई ऐसा नहीं कि प्राइवेटली ही मैं सब कुछ करता हूँ जितना मुझे लाइक टाइम मिलता है जितना मेरी कैपेबिलिटी है पब्लिकली भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि ये एक एंटिसिपेशन है सो so मेरे हिसाब से अगर ये सोलह अगस्त का ही पब्लिक चैनल का स्नैपशॉट है यहाँ पर अगर आप एंटिसिपेट करो तो थर्टी के आसपास प्राइस चल रहा है थर्टी सिक्स के आप आसपास की प्राइस के बाद हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस चार्ट पर जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है जिसके इंटरनल्स मैंने आपको अभी बताए हैं उसके बेसिस पे चार हज़ार अब चार हज़ार के आसपास तो छोड़िए मेरे हिसाब से शायद वो बयालीस सौ के आसपास आ गया सो so, ये सारे पैटर्नस ऐसा नहीं कि होने के बाद मैं यहाँ आप, पर आपको बता रहा हूँ कि ये डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी ये सारे के सारे पैटर्न्स होने के पहले पब्लिकली प्राइवेटली जो भी एंटिसिपेशन है वहाँ पर हम लोग एंटिसिपेट करते हैं इसके अलावा ये आई थिंक सात मार्च का है ये जो जो मोटिव वेव यहाँ से स्टार्ट हुई जिसको मैंने बताया कि कंप्लीशन के बाद इस मोटिव की जो बात हो रही सो ये भी प्राइवेट ग्रुप का है सो so, यहाँ पर हम लोग मोटिव वेव के एंटिसिपेशन कर रहे हैं जब मार्केट का प्राइस बत्तीस सौ के आसपास था 3200 के आसपास टुडे इट्स 4200 टू हंड्रेड सो ना सिर्फ जो कल का 10 परसेंट का मूव है वो हम लोग रीड करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं बल्कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि किस तरह से वहाँ से हम लोग एंटिसिपेशन देख सकते हैं अब मैं आपको ये बता दूँ कि आप में से जो 90 परसेंट ट्रेडर्स हैं मुझे लगता नहीं है कि ये एक्चुअली मूवमेंट आपने कैप्चर करी होगी 9 परसेंट या 10 परसेंट की पर अगर रिसेंटली सिर्फ़ इस मूवमेंट की बात करें यहाँ पर कि चलो ये तो ठीक है लेकिन क्या ये जो पैटर्न है इंटरनली इसको भी बिल्कुल यहाँ पे पिन पॉइंट कर पाएंगे जब ये वेव यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किस तरह से ये वेव फॉर्मेशन आएगी तो ये इंटरनल पैटर्न डिस्कस हो जाते हैं और जब ये इंटरनल पैटर्न डिस्कस हो जाते हैं तो जैसे यहाँ पे इंटरनल पैटर्न बना था वैसे यहाँ पर इंटरनल पैटर्न आपका ए बी एंड सी दिख रहा है और इस ए एन एन बी एंड सी को जो है आई थिंक मेरे हिसाब से तीन नवंबर आई थिंक आज से पाँच दिन पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब वो पैटर्न बिल्कुल बॉटम में था सो so, अगर आपको दस परसेंट की मूवमेंट ये पूरी की पूरी कैप्चर करनी है तो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए और मेरे हिसाब से वी डिड मैनेज टू रीड इट वेरी नाइसली एंड वेरी प्रॉपरली सो मेरे हिसाब से यहाँ पे 37 जो ऑप्शंस बाइस करते हैं ऑप्शंस मेरे हिसाब से जो मोमेंटम की प्राइस गेम वहाँ पर प्ले होती है वो इस कंप्लीशन के बेसिस पे ड्रास्टिकली प्ले की जा सकती है सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स द पैटर्न जो रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया एंड एंटिसिपेट किया प्लेड आउट एग्जैक्टली द सेम द वे वी एंटिसपेटेड हाँ थोड़ा पेशेंस वहाँ पर पे टेस्ट हुआ है अगर यहाँ पर नोटिस करो तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से सत्ताईस सेप्टेम्बर से लेकर लगभग पूरा पच्चीस अक्टूबर तक एक महीने का जो टाइम फ्रेम था वो पूरा का पूरा साइडवेज रहा बट आई थिंक एक अगर पैटर्न की बात करें जो मैं बता रहा हूँ कि वही ये होता है कि जो भी हो रहा है अगर आपका ये मोटिव है तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर एक महीना लग रहा है दो महीना लग रहा है अगर कुछ ऐड ऑन अपॉर्चुनिटी लग रही है या फिर पोजीशन में डबल बिग हो सकते हैं हम लोग वहाँ पर साइज में तो पैटर्न वहाँ पर जब तक इंटैक्ट है एंटिसिपेशन आपकी इंटैक्ट रहती है सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स ब्रिटानिया आई होप यू मैनेज टू गैदर सम नॉलेज अबाउट द चार्ट पैटर्न आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा आने वाले फ्यूचर में आई थिंक इस तरह के सेशन आपके साथ कंडक्ट करता रहूँ मोस्ट uh, प्रॉब्ली अगर आपको आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं यूट्यूब पर डालूंगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सेशनस में और कंडक्ट करता रहूँ तो डू कमेंट दैट लेट मी नो वॉट यू थिंक ऑफ दीज सेशंस इसके अलावा चलिए आपकी क्योरीज आंसर कर देते हैं हिंदुस्तान यूनिलिवर एज ए सैट की टॉपिक uh, पर आपकी क्योरीज रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा है नेक्स्ट uh, है आपका कैन यू अपडेट निफ्टी फॉर द वीक निफ्टी मैंने ऑलरेडी अपडेट कराया अगर आप आई थिंक लास्ट वीडियो ही देखें तो सेम है कुछ खास फर्क नहीं कल का ट्रेड तो मेरे हिसाब से गैप फिलिंग का था और गैप फिलिंग के बाद राइट नाउ भी मार्केट देखो तो वहीं पे खड़ा हुआ है सिंगापुर निफ्टी जहां पर फ्राइडे को खड़ा था तो आई थिंक सेम है 18,200 इज द की लेवल जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वी आर ऑन आई मीन अगर सिंगापुर निफ्टी को देखें तो सिर्फ टू पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से अगर इस लाइक स्पॉट निफ्टी को देखें लेट्स लुक एट दैट सो आई थिंक 500, 600 पॉइंट्स हंड्रेड पॉइंट वहां पर दूर होना चाहिए मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिव पर मुझे लगता है 18,200 थाउजेंड टू हंड्रेड इज समथिंग जहां पर हम सभी लोग फोकस कर रहे हैं सो दैट्स द की लेवल दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन जस्ट में सेकेंड चलिए सो नेक्स्ट क्वोरी है आपका वाई वेव्स आर डब्ल्यू एक्स वाई एंड सम वेव्स आर ए बी सी इज देयर रूल फॉर और रैंडमली Uh, कुछ डब्ल्यू एक्स वाई हैं कुछ ए बी सी है मेरे हिसाब से uh, जो uh, अगर आप उसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं मैं आपको अगर क्विकली बता सका तो जो फर्स्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर की जो वेव होती है लेट्स से जो फर्स्ट करेक्शन की आपकी वेव है अगर फर्स्ट करेक्शन में मोमेंटम स्ट्रांग है आपका तो वहाँ पर आपको W मिलेगा अगर मोमेंटम वहाँ पर लेस है तो मेरे हिसाब से वहाँ पर A मिलता है सो दैट्स द फॉर्मेशन या फिर दैट्स द रूल्स वन दैट्स वन रूल वी फॉलो एंड दैट्स द डिफरेंस तो रैंडमली तो नहीं है बट देर आर सम सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम लोग फॉलो करते हैं नेक्स्ट है आपका आपका प्राइवेट ग्रुप में टेलीग्राम चैनल ही है या कोई और भी बेनिफिट्स हैं आई I मीन mean, टेलीग्राम चैनल तो ये पब्लिकली आई I मीन mean, एवरीबडी इज़ हैविंग ए टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम इज़ समथिंग फॉर मी जहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ और लाइव सेशन की मैं लिंक भेजता हूँ सो so, जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें हम लोग रोज दस बजे लाइव सेशन करते हैं आई थिंक जैसे आप ये स्नैप देख रहे हैं ना ये वाला दस बजे का है इसके अलावा मेरे हिसाब से शायद ये भी दस बजकर तेईस मिनट का सो so, ये प्राइवेट ग्रुप के लाइव सेशन है जो मैं लाइव मार्केट में कंडक्ट करता हूँ एंड ट्रेडर्स को एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता हूँ आई मीन इफ़ यू थिंक अबाउट दिस जो लोग यहाँ पे बाई करेंगे लेट्स एफ यू आर बाइंग हेयर आप बाई किस लिए करोगे आप तो इसलिए करोगे पर जो मेरी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एंटिसिपेशन है अगर मुझे वहाँ लगता है कि नहीं जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शायद मार्केट ऐसा ना जाए अगर आप बाई कर भी रहे हो तो इसके बाद वो शायद इस तरह से जाए तो जो भी मुझे वहाँ पर चार्ट पर दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ रिसेंटली अगर एग्जाम्पल मैं बताऊँ अगर आप प्राइवेट ग्रुप में नहीं हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह के अपडेट देखते हैं तो रिसेंटली ये वाली स्नैपशॉट देख लो जब मार्केट एग्जैक्टली बॉटम पर होता है तो वी कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस कि मार्केट में किस तरह से आप बने रह सकते हैं या फिर मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं सो so ये जो पूरे की पूरे सेंटिमेंट है सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरा प्लानिंग पूरा थाट प्रोसेस पूरा पैटर्न समझाना होता है सो so मेरे हिसाब से लाइव सेशन में अगर आपकी क्वोरीज का आंसर करूँ

आपको अपनी एज ढूंढनी है मेरी एज मुझे वेव एनालिसिस में मिली न रही बात अगर चार्ट पैटर्न्स में तो देखो वेव एनालिसिस की फॉर्मेशंस या कुछ फॉर्म्स होते हैं अगर काफ़ी पॉपुलर की बात करें तो आपको एलियड वेव उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वन है पर इसके अलावा अगर आप देखें तो डाउ थ्योरी है इसके अलावा न्यू वेव है थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ इधर उधर बट दिस वॉज दिस समथिंग जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलराइज़ किया पैटर्न्स को पॉपुलराइज किया पैटर्न uh, की अंडरस्टैंडिंग को उनकी लेबलिंग को पर मुझे लगता है कि दे ऑल आर सेम बस आपकी uh, जो रूल्स हैं या पैटर्न की फॉर्मेशन है वो अगर समझ में आ जाए तो इट्स ए यूनिवर्सल थिंग सो वे चार्ट पैटर्न इज चार्ट पैटर्न डजेंट मैटर आप कहाँ देख रहे हैं उसको सो so, मेरे लिए जैसे आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है तो दिख रहा है राइट इसमें कुछ अलग थोड़ी दिख रहा है सो दैट्स द केस दैर नेक्स्ट है आपका हाउ टू फाइंड आउट इफ द करेक्शन विल डीप और शेलो आई मीन दिस विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम रादर देन जस्ट वन क्वेश्चन पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सारे पैटर्न्स अगर हम समझ लें तो इस क्वेश्चन का काफ़ी हद तक हम आंसर कर सकते हैं बट अगर क्विकली मैं आपको एक सेंटेंस में आंसर करूं तो जो कुछ पैटर्न्स हैं जो शैलो होते हैं कुछ पैटर्न हैं जो डीप होते हैं मेरे हिसाब से अगर जिकजैग की फॉर्मेशन हो रही है तो so, जिग्जैक की फॉर्मेशन को आप शेलो करेक्शन में नहीं ले सकते शेलो करेक्शन इज ऑलवेज सम लाइक फ्लैट ट्राइंगुलर प्राइम या फिर लेट से सम कॉम्प्लेक्स पैटर्न राइट सो पैटर्न की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि वो करेक्शन शेलो होगा या डीप होगा राइट इवन कॉम्प्लेक्स पैटर्नस आर शेलो सो जिग्जैक पैटर्न है तो मोस्ट प्रॉबली आपका जो करेक्शन है वो ट्रेंड ही रहेगा uh, अगर डब्ल्यू एक्स वाई नॉर्मल ए बी सी है तो एमिनट्स शेलो करेक्शन नेक्स्ट है आपका बैंक इंडिया टारगेट प्लीज Uh, इसको मैं थर्सडे को आंसर करता हूँ टारगेट्स या चार लाइक स्क्रिप्ट के रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज मैं थर्सडे को लेता हूँ नेक्स्ट है आपका हाउ टू आइडेंटिफाई मोटिवेव आफ्टर द करेक्शन हाउ टू फाइंड आइडेंटिफाई अ मोटिवेव आफ्टर द करेक्शन सेम केस आपको सारे करेक्शन की कंप्लीशन पता होने चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई अ मोटिवेव आफ्टर द करेक्शन जैसा कि अगर मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपका बनाया थिंक ये वाला स्नैपशॉट ये पूरा का पूरा पैटर्न मैंने का अगर आप सेशन को लेट ज्वाइन करें हो तो इसको ज़रा दोबारा वॉच करो यहाँ से पूरा पैटर्न मैंने को आइडेंटिफाई आग, करके बताया और जब ये पैटर्न आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा तो जो नेक्स्ट एंटिसिपेशन है वो आपकी एक्स और मोटिव की होती है तो जो आइडेंटिफिकेशन है कि मोटिव एक्स जो भी आपको पहचानना है तो आपको ये पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन प्लस फिनिश पॉइंट आपको अगर पता होगा तो डेफिनेटली आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट करेक्शन रहेगा या फिर नेक्स्ट वहाँ पर मोटिव रहेगा दैट्स द केस तैर नेक्स्ट है आपका इज़ देर अथड टू लर्न ऑल द चार्ट पैटर्न एट वंस आई मीन जैसे मैंने आपको बताया ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा लेट मी नो वट यू थिंक अबाउट दीज सेशंस मैं कोशिश करूँगा uh, इन सेशन्स को भी कंटिन्यू कर सकें uh, रही बात अगर एट वंस अगर फिर भी आपको क्विकली सीखना है तो आप चाहें तो इंटरनेट पर देर आर फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट्स आप चाहें तो बुक्स रीड कर सकते हैं स्टडीज कर सकते हैं आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से स्टडीज कर सकते हैं देर आर सम बुक्स पेड Uh, books available on the website, which are on Indian market, some of the best books on the Indian markets when it comes to the wave analysis. So that's the answer to your query.